अंतरिक्ष में जब कोई एस्ट्रोनॉट मर जाता है तो उसकी लाश के साथ क्या किया जाता है? दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और पूरे मान सम्मान के साथ उसे इस दुनिया से अलविदा किया जाता है। लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान दम तोड़ता है तो मान सम्मान तो छोड़िए, उसकी लाश तक को देखना नसीब नहीं होता है। अब तक 18 लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस अंतरिक्ष में ली है और उस भयानक मौत का एहसास किया जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस शिप या फिर स्पेस स्टेशन से अलग होकर वहां भटक जाता है तो उसे साक्षात भगवान भी नहीं बचा सकते। सबसे पहली चीज तो हम इंसान बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बिना स्पेस सूट के अंतरिक्ष में इंसान 15 सेकंड से भी ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि मौत को भी खौफ आ जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर उस व्यक्ति ने स्पेस सूट पहन रखा है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो वह जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो अंतरिक्ष में खो गया तो वो अंतरिक्ष यात्री सोचेगा, किसी दौरान काश मेरी मौत हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष पूरा खाली होता है और उसकी डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती। वहां हाइड्रोजन और हेलियम गैस का एक प्लाज्मा होता है और वहां हवा नाम की कोई चीज नहीं होती। तभी तो दोस्तों साउंड भी अंतरिक्ष में ट्रैवल नहीं कर सकता है। मतलब कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट गलती से अंतरिक्ष में खो जाए तो वो मदद मांगने के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाती और वहां का रेडिएशन बहुत ही ज्यादा घातक होता है। वहां भटक रहे एस्ट्रोनॉट कभी भी उस रेडिएशन का शिकार बन सकता है और ऊपर से अगर वो सूरज जैसे किसी ऊर्जा स्रोत के पास है तो वो पलक झपकते ही मर जाएगा और उसे कुछ सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलेगा। अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंड के बारे में तो क्या ही कहना, जो अगर अंतरिक्ष में भटकते वक्त आपसे गलती से टकरा जाए तो बहुत ही भयानक दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में होने वाला एक्सीडेंट आपके स्पेस सूट को डैमेज कर देगा और बिना स्पेस सूट के चंद सेकंड्स की जिंदगी भी बहुत है। मतलब अंतरिक्ष में भटक जाना या फिर स्पेस सूट का डैमेज हो जाना मौत को सीधा न्योता देता है। जब अंतरिक्ष में किसी की मौत होती है तो उसकी बॉडी अंतरिक्ष में ही घूमना शुरू कर देती है और बिना किसी वजह के एक उल्का पिंड की तरह यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है और एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जो अंतरिक्ष में सैकड़ों सालों तक इसी तरह घूमती रहती है। लेकिन कल्पना कीजिए, लाशों का अंतरिक्ष में घूमते रहने का वो मंजर कितना भयानक होता होगा। अगर हम आज की बात करें तो आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या होगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मर जाता है तो स्पेस स्टेशन के कमांडर ये निर्णय लेंगे कि उस वक्त क्या करना सही होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन के अंदर रखना सही नहीं होगा और अगर उसकी बॉडी को वापस धरती पर लाया जाए तो ये भी आसान नहीं होगा। तभी तो दोस्तों जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो नासा चुप्पी साध कर बैठ जाता है, क्योंकि उनकी इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। कुछ जानकार लोगों ने इसकी 3 संभावनाओं बताई है। सबसे पहली चीज तो यही है कि मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को सम्मान पूर्वक वापस लाया जाए और उसे परिवार वालों के हाथों सौंप दिया जाए। लेकिन यह काम बिल्कुल भी आसानी होगा, उसमें काफी लंबा समय लग जाएगा और डेड बॉडी को इतने लंबे समय तक सही सलामत रखना बहुत ही मुश्किल हो जाए, क्योंकि मरने के कुछ ही समय बाद डेड बॉडी सड़ना शुरू कर देती है और तब तक उसे सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि अंतरिक्ष में ही उस बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जहां सही सुना, आपने अंतरिक्ष में ही अंतिम संस्कार। लेकिन दोस्तों, ये अंतिम संस्कार किसी धर्म की प्रथा जैसा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही अजीब होगा। एस्ट्रोनॉट की बॉडी को फ्रीजर ड्राइव कर देगा और फिर बाद में उस जमी हुई लाश को बर्फ के लाखों टुकड़े में बदल देगा। इस तरह का अंतिम संस्कार वाकई में बहुत ही अजीब होगा। अब अगर हम अंतिम और तीसरे तरीके की बात करें तो ये सबसे ज्यादा अजीब है, जहां हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर किसी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन यहां पर डेड बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर नामुमकिन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होगी और हर ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हो सकता है कि उसी ग्रह पर डेड बॉडी को दफन कर दिया जाए। सुनने में ये भले ही किसी सपने की तरह लग रहा हो, क्योंकि अभी तक तो हम दूसरे ग्रह पर पहुंचे भी नहीं है और वहां पर डेड बॉडी को दफनाने की बात सोच रहे हैं। लेकिन भविष्य में ये सब कुछ होगा,
क्योंकि आने वाले समय में ये तकनीकी है जो इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।